बोलो कर्म द्वार काल का, बोलो कर्म द्वारा, बोलो कर्म द्वार काल का, बोलो द्वारा। जय काली, जय जय महाकाली, जय काली, जय काली, जय जय महाकाली, जय काली। जॉब जो मिली है दोनों हस्बैंड वाइफ साथ ही रह पा रहे हैं, तो बच्चे के लिए अभी आपने बोल कर दिया, हम दोनों कभी भी साथ नहीं रह पाते। तुम्हें कढ़ाई दे दी माई के नाम की, तेरी जॉब लगी है? मैंने माई के नाम से कढ़ाई नहीं बोली थी, मैंने अब बोलने से नहीं होता। यहाँ जी दरबार से जब माई काम करती है तो माई की कढ़ाई जरूर करती है, तो माँ की कढ़ाई दे के जाना। दूसरी बात, माई की अरदास लगा करके जाना। तीसरी बात, तेरा और तेरे पति का नाम बोलता था अभिषेक, और तेरा चार्ल्स, और तेरे ससुर का नाम रविंद्र। लड़ाई झगड़ा रहता तुम्हारा? माई पहले बहुत ज्यादा था, अब तो थोड़ा कम हो गया है। माई के पास से पहले बहुत था, डाइवोर्स तक की बात आ गई थी। हजमीर मेरे सामने एक बैठ के बोल खा बेटे। चल बाबू, हो गया बाबू, ये फली मेरे सामने बैठ के खा ली। हां जी, और किसी को दे गया? जल्दी आओ, नहीं तो पीछे आ जाओ। तोड़ तेरा मामा कैसे आएंगे? तेल लाई है? तेल लेके हमरा बाहर भेजा बाबू। और कहां का इलाज है? समाज जो बता देता, मैं चली जाती शांति के लिए, मैं सब बर्बाद हो जाऊंगी। बाबू घर में सब कुत्ते घूम रहे हैं। बाबू क्या हो गया है? इतनी जगह नहीं है मेरे बच्चों की, तुम शोर करोगे तो पूछा दे लूंगी मैं इतने में। तो घर में सारे उठते उठते घूमते हैं। ये मेरे दोनों बेटे हैं, ये मेरी बहन के बच्चे मैंने पाले हैं। आज ये मेरे से गंदी गंदी के बाहर गाली चलाना, मारपीट करना, और ये इतने अच्छे थे कि मेरे से अलग ही होना। अच्छा, तो तेरी बहन नहीं है? अच्छा, देना मेरी फोटो देना। ये मेरी बेटी है, ये बीमार रहती है, तेरे पास ही रहे हैं? हाँ, ये मैंने पाले दिन का बाद वो भी खत्म हो गए, उनसे शादी कर ली बच्चों की वजह से। अच्छा अच्छा, तो अभी ये उसका जवाब करते हैं? हाँ, ये मेरे कहने में नहीं, आप ऐसे वो आ रही मेरे से बहुत झगड़ा करते हैं, जो कहते हैं मकान गए जिस साल देना पार होगी बच्ची को लेके। तो नाम क्या बेटा तेरा? मेरे पति का नाम राजेश, पुराना उनके पापा का नाम दौलत, गाँव आगरा। बेटा का नाम क्या? बाबू दौलत राम। कराया बेटा तूने? हाँ कराया। उसका सामान घर में ही रखा है अभी? उसका सामान मैंने थोड़ा सा तो वो कर दिया, थोड़ा सा रह गया उस खर्च में, तो मैं कह रही थी जमुना में डाल दिया हूँ कोई आराम के लिए। अच्छा बाबूजी, जब तक तुम लोग दूसरे भगत का इलाज बंद कर दियो, मेरे मत कहियो कोई दिक्कत हो गई घर से, ठीक है? एक तो जोत लेके जाए यहाँ से, जोत जला, यहाँ से तेल मिलता है उसकी जोत जला, कम से कम 41 दिन लगातार जलानी है, शाम के समय जलानी है, ठीक है? और डेली जलानी है, बीच में बेटा जी कोई भी चीज छुट्टी नहीं करनी है, डेली ही जलानी है, नहीं करनी है 41 दिन। हाँ, कम से कम 41 दिन, बाकी तो जब तक जलाओगे तुम्हारे घर में फायदा रहेगा, लेकिन कम से कम 41 दिन तो जलानी ही जलानी है। दूसरी बात,
उड़द की दाल लेके आ 1.25 किलो। अरदास लगा के जा माई से, घर में सुख शांति की। माँ ये बच्चे मेरे पीने में रहेंगे, क्या करूं मैं इनका, बहुत गंद। ठीक हो जाएंगे बेटा, ठीक हो जाएंगे। मेरे को मन ही नहीं कर रहा इनसे इतनी गंदी जवानी। मेरी बात सुन बाबू, 5-10 मिनट मिलेंगे तुम्हें बात करने के। माई से या तो तुम अपनी बोलो या माई की सुन लो, इलाज कराने आए हो तो माँ की सुन लो ना, फिर ये चली जाएगी, फिर तुम बैठे रह जाओगे, फिर दूसरे का नंबर आ जाएगा। तेल की जोत लेकर जानी है, 1.25 किलो खाली उड़द लेकर गया, ठीक है। 3 दरबार की हाजिरी होंगी, हाजिरी शनिवार को देनी है, लगातार 3 शनिवार देनी है, ठीक है। और अरदास करवा के जान माँ भगवती को, मेरे घर में सुख शांति हो, प्रेम प्यार बना रहे, ठीक है बेटे। चलिए घर।